आज विश्व जनसंख्या दिवस अवसर यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ निष्पत्ति नूतन जनसंख्या नीति उन्मोचन आमे दुई आमर दुई जनसंख्या नीति 2021-30 नूतन जनसंख्या नीति 2026 सुधा हजारे जनसंख्या रे जन्म हार 2.1% 2030 सुधा जन्म हार 1.9% पहुंचाइबा लक्ष्य धार्य करा जायछि। राज्यर मोट प्रजनन हार वर्तमान 2.7% रही। उद्घाटनी कार्यक्रम में यह नीति उन्मोचन करने बेले यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते जे राज्य में जनसंख्या को नियंत्रण करने दुई पिलांक मध्यरे व्यवधान रहिबा उचित। जनसंख्या वृद्धि मध्य दारिद्र्य सहित जड़ित फलरे जनसंख्या नीति 2021-2030 रे प्रत्येक संप्रदायर जत्न निया जायछि बोली आदित्यनाथ कहिछन्ति। जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021-30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि काफी तथ्यों के साथ समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रखकर के इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। अन्यपटे शनिवार जनसंख्या नियंत्रण पर राज्य विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण बिल 2021 रो ड्राफ्ट प्रस्तुत करथिला। राज्य रे बढ़ुतिबा जनसंख्या उपरे रोक लगाइबा को एथिरे अनेक प्रस्ताव रखा जायछि। एही ड्राफ्ट मुताबक दुई रो अधिक पिला थिबा व्यक्ति को मिलिबनी सरकारी योजना रो लाभ। एहा सह अभिभावक सरकारी चाकरी पई भी आवेदन करि परबे नाही। दुई रो अधिक पिला थिले सेमाने निर्वाचन लढिबारु मध्य वंचित रहिबे। गोटिए परिवार राशन कार्ड रे सर्वाधिक 4 जनकर नाम रहिबो। दुई रो अधिक पिला थिले सरकारी योजना रे मिलुथिबा रिहाती पई सेमाने आवेदन करि परबे नाही। हेले यूपी रो नुआ जनसंख्या नीति रे जणे व्यक्ति तृतीय संतान पोष्य भाबे ग्रहण करि परबे बोली दर्शा जायछि। एही कैटेगरी जाउथबा अभिभावक माने सरकारी चाकरी करथिले सेमानकु अधिक 2 सैलरी इंक्रीमेंट मिलिबो। अनेपटे जहां पाखरे सरकारी चाकरी नहीं सेमानकु पानी बिजुली होम टैक्स होम लोन भरी अनेक सुविधा जोगाई दिया जाउ बोली मुख्यमंत्री योगी कहिछन्ति। एहा सह स्वास्थ्य और शिक्षा को मध्य गुरुत्व दिया जिवो। इसकी जनसांख्यिकी असंतुलन पर इसका कोई विपरीत असर भी न पड़े, हर तबके को इसके साथ जोड़ना होगा। हर एक तबके को उस जागरूकता अभियान के साथ जोड़ना पड़ेगा। मां और बच्चे के स्वास्थ्य को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। एजुकेशन को बेसिक माध्यमिक उच्च या अलग अलग जो हमारे शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान हैं उनके अंदर व्यापक अवेयरनेस के कार्यक्रम को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के साथ साथ समाज स्वास्थ्य के इन सभी पैरामीटर को प्राप्त करने के सामने जिनके स्तर पर प्रयास हो सकते हैं उन सभी विभागों को भी जोड़ करके अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से हम बेहतर परिणाम दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश देशर सबुठारु बड़ राज्य होइतबा बेले जनसंख्या हाररे मध्य सबुठारु आगरे रहिछि। तेबे द्रुत जनसंख्या को रोकिबारे एही नीति केते सफल हेउछि ताहा देखिबाकु बाकी रहिला। ब्युरो रिपोर्ट, एमबीसी न्यूज़।